गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज साइबर सेफ्टी। ठीक है, साइबर सेफ्टी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज साइबर सेफ्टी? सो सिंपल, व्हाट इज साइबर सेफ्टी? सो फर्स्ट, द सेफ यूजेज ऑफ द इंटरनेट स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, फ्रॉड और अदर फॉर्म्स ऑफ अटैक, इट्स कॉल्ड साइबर सेफ्टी। मीन्स देखो, साइबर सेफ्टी हम लोग उसको बोलते हैं जो एक टाइप का मेजरमेंट है, मान लो, या एक टाइप का कुछ ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो हमको हेल्प करता है वायरस, फ्रॉड और कोई अदर टाइप्स के अटैक से, उसको हम लोग बोलते हैं साइबर सेफ्टी। ठीक है, आप लोग देखो, साइबर सेफ्टी को एक सिंपल वर्ड्स में समझ लो। जैसे कि मान लो आप लोग देखते हो कि आप लोग के घर में, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या आप लोग रखे हो। ठीक है, जैसे कोई, बहुत सारे लोग डॉग्स को रखते हैं, बहुत सारे अपने घर में वॉचमैन रखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्यों रखते हैं? घर के प्रोटेक्शन के लिए। तो उसी तरह से कंप्यूटर के प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर यूज तो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से वो इंस्टॉल है। ठीक है, आप जैसे ही कोई, मतलब आपको हार्मफुल सब्सटेंस आपके कंप्यूटर में इंटर कर रहा है, तो आपको कंप्यूटर वार्निंग देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग साइबर सेफ्टी को समझते हैं। ठीक है, तो हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सेफ्टी हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट नंबर, थिंक ट्वाइस बिफोर क्लिकिंग ऑन लिंक्स और ओपन अटैचमेंट। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में बहुत सारे लिंक्स आप लोग देखते हो, लेकिन आप लोग को माइंड में रखना है कि जब भी आप लिंक क्लिक करो उसके बारे में, यहाँ पे तो आप लोग मेंशन नहीं दो बार, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप 1000 बार सोचो कि वो लिंक एग्जैक्ट आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। अगर वो परफेक्ट है तो आप क्लिक कर सकते हो, अगर परफेक्ट नहीं है तो आप क्लिक मत करो। क्योंकि देखो, अगर आप लिंक्स में क्लिक करते हो, ठीक है, तो उस लिंक के थ्रू क्या होगा कि जो हैकर्स हैं आपके कंप्यूटर में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, और इंटर करने के बाद आपका सारा जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसको वो ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को कुछ भी डॉक्यूमेंट है, अब देखो अटैचमेंट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कंप्यूटर में कुछ भी अटैचमेंट, आपको ईमेल्स पे आता है, ईमेल से आपको बहुत सारा अटैचमेंट आ गया, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप में नहीं, ईमेल में ही जनरली ऐसा प्रॉब्लम आता है, या फिर आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हो, ठीक है, PDF डाउनलोड करते हो, तो उस टाइप को अटैचमेंट बोलते हैं। तो उसको ओपन करने से पहले आपको सोचना चाहिए, ठीक है, कि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या हार्मफुल है। अगर हार्मफुल है तो आपके कंप्यूटर को या फिर आप जो डिवाइस में इसको डाउनलोड कर रहे हो पूरी तरह से वो डैमेज कर देगा। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है कि कोई भी लिंक्स को या फिर अटैचमेंट को ओपन करने से पहले आपको 10 बार 1000 बार सोचना होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर, वेरीफाई रिक्वेस्ट फॉर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। देखो, अब जैसे कि सेफ रहना है आपको, ठीक है, सबसे फर्स्ट आप लोग को देखो, एक अननोन नंबर से कोई कॉल आता है, आपको पूछा जाता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपने अपना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसको सेंड करो। ठीक है, आप मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊँगा कि, ठीक है, कि आपके अकाउंट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको किस तरह का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना है। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब आपको अपना अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, ये किसी को, अननोन पर्सन को बताना ही नहीं है जो आपको कॉल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जब से कुछ वेबसाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, जैसे आप गूगल पे हो गया, ठीक है, फ़ोन पे हो गया, जो ट्रस्ट जिस पे आपको है, उसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो अननेसेसरी, जैसे आप देखते हो कुछ रिचार्ज करना है, तो उसके लिए हम लोग ऐप डाउनलोड किए, ऐप में आपका जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल अपना ATM नंबर और ये सब अकाउंट नंबर दे दिए, तो वो सब नहीं करना है आपको। ठीक है, तो सेकेंड नंबर, वेरीफाई रिक्वेस्ट फॉर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। थर्ड नंबर, प्रोटेक्ट योर पासवर्ड। देखो, अब पासवर्ड को प्रोटेक्ट कैसे करना है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है, ईमेल यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटेक्ट योर पासवर्ड। ठीक है, तो आप लोग जैसे देखो बहुत सारे ऐप यूज करते हो, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि मैं पासवर्ड भूल जाऊंगा, इसलिए एक ही पासवर्ड को वो हर ऐप में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। आप जो भी ऐप यूज कर रहे हो, जैसे आप फोन पे यूज कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे यूज कर रहे हो, या फिर आप Paytm यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसका अलग पासवर्ड होना चाहिए। आप उसको एक कॉपी में लिख के रखो, ठीक है, लेकिन उसको क्या करो कि अलग अलग रखो। ठीक है, सेम टाइप का अगर पासवर्ड रहेगा, तो अगर मान लो इनकेस अगर हैकर्स आपके किसी पासवर्ड से अगर एक आपका मान लो ऐप में अगर इंटर करते हैं, तो उसके थ्रू आप उसके सारे ऐप को इंटर कर सकते हो, सारे को वो करप्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टील कर सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, सारे ऐप का पासवर्ड अलग अलग करना है। ओके, फोर्थ नंबर, प्रोटेक्ट योर स्टफ़।
अब यहाँ पर स्टफ क्या क्या मीनिंग हुआ देखो, अब सॉरी मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया प्रोटेक्टर पासवर्ड में, कि आप जो पासवर्ड सेट करते हो कभी भी आप इस तरह से मत सेट किया करो 1 2 3 4 5 या 6 5 4 3 2 1, इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको। जब भी करना है तो आप उसमें ना 2-3 वर्ड्स लेटर लगा दो, ठीक है, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अंडरस्कोर, मतलब जो हाइफ़न हो गया, एट द रेट हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स हो गया, मैथमेटिकल्स जो नंबर डिजिट्स हो गए, वो सब आप सारे को मिक्स करके पासवर्ड बनाओ, ठीक है, तब आप सेफ़ हो, अदरवाइज आप सेफ़ नहीं हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा था प्रोटेक्ट योर स्टफ़। स्टफ़ करने का मतलब आप फेसबुक यूज कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, गूगल में जीमेल यूज करते हो, तो मेरा करने का मतलब है आप सारे स्टफ़ में, मतलब सारा में आपको सिक्योरिटी क्या रखना है, मतलब आपको क्या माइंड में रखना है, ठीक है, कि आप लोग देखो जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है आप गूगल में सर्च करने, मतलब देखते हो गूगल आपके ऑप्शन मांगता है कि रिमेंबर योर पासवर्ड, तो वो आपका पासवर्ड को सेव कर लेता है, तो आपको इस तरह का नहीं करना है, ठीक है, आपको पासवर्ड को किसी को नहीं बताना है, आपको वहाँ पर नोट नाउ करना है, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि मैं गूगल में यहाँ पर रिमेंबर कर दूंगा तो मैं बाद में मुझे याद आ जाएगा, तो ये सेफ़ नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो भी पासवर्ड है उसको आप कहीं पे कॉपी में लिख के रखो एक जगह, लेकिन आप इसको प्लीज़ किसी से शेयर नहीं करना है आपको, मतलब कोई भी आपका वेबसाइट है आपको किसी भी ब्राउज़र में इसको सेव नहीं करके रखना है, ओके। नेक्स्ट है कीप योर डिवाइसेस ब्राउज़र एंड ऐप्स अप टू डेट। देखो आपको जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो, जैसे आप WhatsApp यूज कर रहे हो या गूगल मीट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आपको उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि आप उसमें स्मूथली वर्क कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट है बैकअप योर क्रिटिकल फाइल्स। क्रिटिकल फाइल्स करने का मतलब ये हुआ है जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स है, ठीक है, जिसके बिना आपका कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। जैसे कि आप WhatsApp चलाते हो, ठीक है, तो WhatsApp में जो भी मैसेज है उसका बैकअप आपको करना ज़रूरी है। अगर मान लो आप नहीं करते हो तो फ्यूचर के लिए आप सेफ नहीं हो, फिर आपको बहुत ज़्यादा डाटा लॉस हो जाएगा, आप कहाँ से खोज पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फाइल है उसका बैकअप क्रिएट करके रखना होगा, ठीक है, कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट डिलीट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन व्हेन इट्स नो लॉन्गर नीडेड। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका आपको कोई यूज नहीं है, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रखे हो, ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दिया करो। अब जैसे कंप्यूटर में ही देखो, अब रिसाइकिल बिन में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको आप डाले रखे हो, ठीक है, तो उसको वहाँ से क्लिक क्लियर कर दिया करो, उससे आपका जो भी डिवाइस है वो स्मूथ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ सस्पिशियस रिपोर्टेड। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे तो आपका कंप्यूटर जो है आपको नोटिफाई कर देगा, अगर मान लो आप ना कोई भी ऐसा वेबसाइट है जिसमें आप क्लिक करते हो तो आपको उसमें अगर वायरस है या फिर किसी तरह के हैकर्स उसमें यूज कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर उसमें नोटिफाई कर देगा, ठीक है, और नोटिफाई कर देगा तो आप समझ सकते हो कि, तो आपको क्या करना है कि कस्टमर केयर के पास वो कॉल करना है कि मेरे पास ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप उसमें सेफ हो जाओगे। नेक्स्ट है बिफोर यू स्टार्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर। देखो जनरली लोग करते क्या है कि कंप्यूटर से कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए डायरेक्ट उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। मैं कंप्यूटर के टर्म्स में बता रहा हूँ, और अगर आप WhatsApp, Facebook जो भी आप Google Play से करते हो तो उसको भी उसके टर्म्स में मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी ऐप को पहले इंस्टॉल करते हो तो फर्स्ट टाइम पहले उसको आप चेक कर लो कि वो अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट है तो ठीक है, अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लो, तब आप क्या कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रन करवा सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर को आपको प्रोटेक्ट करना है। आप देखते हो जो आप वेब ब्राउजर यूज करते हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सारे में सेटिंग्स ऑप्शन आते हैं, तो सेटिंग्स में आप सब में फायरवॉल इंस्टॉल करके रखो, फायरवॉल को ऑन करके रखो। उससे क्या होगा कि आप जैसे वेबसाइट में, आप जैसे कि अपने वेब ब्राउजर से, जैसे गूगल क्रोम से किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट्स को क्लिक करते हो, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका हार्मफुल जो हैकर्स का जो मैसेज है आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा, वो वहाँ से उसको रिटर्न कर देगा। जैसे वॉल, वॉल क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आता है टकराएगा वॉल में फिर वापस चला जाएगा, तो वही करता है आपका फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट लर्न मोर अबाउट सिक्योरिटी सेटिंग ऑन योर वेब ब्राउजर। आप जितना अधिक से अधिक हो आप सेटिंग्स के बारे में समझो, ठीक है, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज ने पढ़ा साइबर सेफ्टी एंड हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम साइबर सेफ सेफ्टी से। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लोगे, 11 पॉइंट्स एंड डेफिनेशन लिख लोगे और कॉपी में सारे को शो करोगे, ठीक है। थैंक यू।